नमस्ते बच्चों, मैं स्मृति राष्ट्रीय बाल भवन राष्ट्रीय बाल संग्रहालय से। आपको पता है हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है आओ मिलकर मनाएं हिंदी दिवस और शिक्षा का पर्व। तो आज हमारा 3रा दिन है इस कार्यक्रम का और आज हम शिक्षा के बारे में जानेंगे और वो भी संग्रहालय के नज़रिए से। तो चलिए आइए देखते हैं। बच्चों, शिक्षा के प्रति कई लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया, तो आइए देखते हैं। यहाँ इस डायरामा में आप देख रहे हैं, यहाँ पे सती प्रथा करी जा रही है। इसमें हमारे एक राजा थे जिनका नाम था राजा राममोहन रॉय। उन्होंने जब अपनी भाई की पत्नी को मृत पति के साथ चिता में जलते देखा तो उन्हें ये देखकर बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने फिर इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए भरसक प्रयास किए और 1829 में जाके और उन्होंने इस सती प्रथा को ख़त्म करवा दिया। तो इससे उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि ये जो हमारे जो ये रीति रिवाज जो कि गलत हैं, जो कि माननीय नहीं हैं, उन्हें हमें ख़त्म करना चाहिए। बच्चों, इस डायरामा में आप देखेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने पहला नारी शिक्षा का सर्वप्रथम कन्या विद्यालय उन्होंने 1850 में शुरू करवाया। इसमें आप देख सकते हैं जो कन्याएं हैं वो हाथों में किताबें लेकर विद्यालय की तरफ जा रही हैं और भी लोगों के घर में जो कन्याएं हैं उनको बुला रही हैं कि विद्यालय चलें, है ना। तो 1850 में उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये कदम उठाया और उन्होंने पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया। बच्चों, ये एक डायरामा है जिसमें हम देख सकते हैं एक विधवा है जिनके पति की मृत्यु हो गई है, तो उनके बाद उनके साथ बड़ी कुरीतियां होती थी, उनका सिर मुंडवा दिया जाता था, ये आप नाई देख सकते हैं। तो इसके विरुद्ध हमारे महर्षि कूर्वे ने उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने विधवाओं के लिए पहला विद्यालय खुलवाया, प्रारंभिक विद्यालय खुलाया और उनको कुरीतियों से बचा के उन्होंने शिक्षा की तरफ उनको जागरूक किया। उन्हें ही नहीं, विधवाओं को नहीं, उनके परिवार के सभी लोगों को जागरूक किया कि हमें ये सारी कुरीतियां छोड़ देनी चाहिए और शिक्षा की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। जो इस डायरामा में आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद हैं जो कि घर घर जाके कलकत्ता में 1898 में जब प्लेग फैल गया था और लोग एक दूसरे को छूते तक नहीं थे तो वो घर घर जाके लोगों की सेवा कर रहे थे, मानवता में विश्वास रखते थे। और इन्होंने बचपन में जो बच्चों का ब्याह हो जाता था, जो शादी हो जाती थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और नारी शिक्षा के लिए उनको उन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया। बच्चों, उन्हीं में से एक महान व्यक्ति हैं जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी और उन्होंने बाल श्रम के विरुद्ध, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध काफ़ी आवाज़ उठाई और उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत करी और बच्चों की पढ़ाई की तरफ काफ़ी ध्यान दिया और जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आगे ही हम और ऐसे कार्यक्रम आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।